आखिरी कोशिश कर लेते हैं, उड़ जाए तो बढ़िया है। की वजह से कट गया भाई, इसकी वजह से। इस तो खा लिया, और ये बच्चा है देखो, ये चंदन खा लेगा। 2 साल हो गए खाए हुए, आज खाएंगे, 1 साल 2 साल बाद है। हाँ, टर्न कर कैसी बननी उस साइड? इस साइड बनी नहीं भाई, लास्ट ब्लॉग है, इसके बाद में ब्लॉग नहीं आ रहे भाई कुछ दिनों के लिए। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब बढ़ाऊँ तो गाइज, सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। सेफली पतंग वतंग उड़ाना, कोई गुड़गुड़ा मत जाइयो। वैसे पतंग कौन कौन लूटता है यार? मैं तो छोटा था ना, बहुत पतंग लूटता है मैंने, बहुत पतंग लूटता है। अब तो नहीं लूटता, अब तो बस छत वत पे आ जाते हैं ना, तो लूट लेता हूं। इसके पीछे रखा है भाई मैंने चरखा, मन जगह इसलिए रखा है, वो बच्चे ना छोड़ते नहीं है, इसलिए मैंने छुपा दिया था। पतंग इसके पीछे छुपाए हैं, कैरम बोर्ड के पीछे। गाइज ये देखो, छत पे एक पतंग आया हुआ है कटा हुआ, बढ़िया होगा भाई, तंग लगे हुए मिल गए। और देख ले तो, ओहो एक पतंग ये रहा, 2 पतंग आए हुए हैं, 2 पतंग। गाइस मेरी छमिया आ चुकी है, और बाबू आ चुके हैं, और प्लस में भैया भी आ चुके हैं। ये पतंग कट के आया है, और वो वाला भी पतंग कल कट के आया था। गाइस ये पतंग उड़ाएंगे अब, क्योंकि इसके तंग डले हुए हैं। गाइस बहुत कोशिश कर ली पतंग उड़ाने की, बट पतंग ही नहीं उड़ रहा, हवा ही नहीं चल रही। बोलू तू बता यार कुछ, कैसे उड़ाए पतंग को? तो एक काम कर, तू फूक मार थोड़ी सी जो हवा चले। क्या आवाज, जैसे सुस्त कैसे हो रहा है तू? तबीयत तो ठीक है क्या तेरी? और साइलेंट मोड में हवा के चलते ना सारे पतंग नीचे हो गए। अब मैं भी नीचे चला जाता हूँ, पानी वानी पी के फिर आऊंगा। और तो कल सकरात है ना, तो मम्मी और माँ क्या बांटेगी? मतलब मम्मी या माँ में से कोई तो एक तो ये बांट देंगे, मतलब जो उनके एज ग्रुप के होते हैं ना उनको, और माँ और मम्मी से कोई ये बांटेंगे। ये होती हैं 14 या 15 होती हैं जो देते हैं सब, लेडीज को देंगे ओनली। कहीं ये पतंग फटा हुआ है, और मैं बचपन में छोटा था ना, मतलब मेरे से पतंग वतंग नहीं उड़ते जाना, तो मैं पतंग के साथ क्या करता था वो अब करके बताऊंगा इस पतंग के साथ आपको। ये मेरी छमिया रही, इस पतंग कैसे रखूंगा? बचपन में ऐसे रखता था, ऐसे नहीं ऐसे रखता था, फिर ऐसे करता था, इस पे ऐसे पैर रखता था, फिर ऐसे कर देता था भाई। और देख रहे हो आप, मतलब हवा नहीं चल रही ना, तो एक भी पतंग नहीं उड़ रहा। देखो किधर भी एक भी पतंग नहीं, इधर चारों तरफ देख लो। टेरिस पे बैठे भाई, देखो ये बैठे बंदे, उधर के अभी उतर गए, नहीं इधर भी सारे बंदे थे। हवा ही नहीं चल रही तो करेंगे क्या भाई छत पे? बस हमारे भैया बैठे हैं, क्या कर रहे हो? है पतंग तो उड़ नहीं रहा, बताओ तो बैठ के क्या करोगे? पतंग पतंग इंतजार में, संन्यास ले लो आप जिंदगी से, संन्यास दिला देना, ठीक है संन्यास ले लो। पतंग तो नहीं उड़ रहे, देख यहाँ पे हवा ही नहीं चल रही, एक भी पतंग नहीं उड़ रहा बता। तो अगर एक भी पतंग उड़ता दिखा देगी ना तो तेरे को ना मैं 50 रुपए दूंगा, बता जल्दी, देख जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टाइम आउट। अब तो टाइम आउट हो गया। चलो यार एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं, उड़ जाए तो बढ़िया है। पकड़ भाई, पकड़ ले। बड़ी मेहनत के बाद में हमारा पतंग उड़ा है, और आसमान देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई। गाइस इतनी मुश्किल से पतंग बड़ा है, और वो भी कट गया भैंस की टांग, इसकी वजह से कट गया भाई, इसकी वजह से। तूने चरखी पकड़ रखी थी? चरखी मैं तो पूरी सही पकड़। हाँ तो चरखी पकड़ने वाले की गलती होती है, उड़ाने वाले की गलती थोड़ी होती है। मेरी भाजी आई आज, तो इसलिए मेरी मम्मी बना रही है क्या, इडली सांभर, और हम खाएंगे। और बुआ जी हमारे लिए तो क्या लेके आई है, फीनी, और मेरी माँ लेके आई हमारे लिए छाछ। ये 50 है और ये 70 है, अब बताओ आपकी कृपा किस पे होगी? ये मैं खिला रहा हूँ, ये आप खिला दो। तो गाइज 1.5 महीने बाद में फास्ट फूड पे फिर आ चुके हैं, आज खाएंगे भाई हम, क्या खा रहे हैं? फ्रेंच फ्राइज खाएंगे, मोमोज, और अरे नहीं ये ज्यादा हो गई, बस ओनली फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। स्कूटी ले, अरे किस सिस्टम है, ले जा भाई ले जा, तू भी याद के रखा को सही में ले जाए, मजाक मजाक में भाई खड़ी कर रहा है, इन पत्तों में चाबी लग रही है, अब तो दिमाग को नहीं, स्कूटी ले जा रहा है। फ्रेंच फ्राइज भाई, मेयोनीज और वो है मीठी चटनी, और इसमें मिर्ची खाएंगे भाई, मंचूरियन, ये बहुत दिन हो गए, समथिंग 1 साल 2 साल हो गए खाए हुए, आज खाएंगे, 1 साल 2 साल बाद है, 2 साल हो गए, पिछले साल खाए थे क्या? 1.5 साल हो गए भाई। ओहो भाई मजे आ गए, फुल ग्रेवी है इसमें चंदन, फुल ग्रेवी, मुंह में पानी आ रहा है, इसको पकड़ गरम है, ये हाथ चल रहे मेरा, रख दे यहाँ पे। और बाजी नहीं है, बाजी के साथ दीप हो गया है, और लग चुके हैं भाई, देखो इडली सांभर बन चुके हैं, अब गाइस इधर बन रही है मेहंदी, दिखा हाथ टर्न कर कैसी बननी उस साइड, इस साइड बनी नहीं, उस हाथ पे बन रही है। बनाने वाला कौन है? नहीं बनाने वाला प्यारा नहीं है, बनाने वाला प्यारा नहीं है। वैसे गाइस एक बात बता दूं आपको कि ये मेरा भाई लास्ट ब्लॉग है, इसके बाद में ब्लॉग नहीं आ रहे भाई कुछ दिनों के लिए, मानता हूँ 30 दिन का मैंने बोला था, तो नहीं आ रहा भाई। ये बात मुझे ना थोड़ा दुखी होकर बतानी चाहिए, एक बार दुखी होता है उनको,
गाइस मैं बोल रहा था कि 30 दिन का ना मेरे बॉक्स वो था वो चैलेंज बीच में ड्रॉप कर दिया भाई यार, सच बता रहा हूँ कोई रीजन है मतलब सोचो कुछ रीजन है, बट हाँ वेट करो 5-7 दिन बाद में ऑन करो ऑन तो आपको बताऊंगा क्या हो रहा है भाई। मान लो ब्रेक कर रहा हूँ उसके बाद में कंटिन्यू कर लेंगे, 30 दिन से ज्यादा कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही बोल रहा हूँ चिल विल करो, सकरात में पतंग वतंग उड़ाओ, चिल मार के मेरे साथ दुखी वुखी मत रहो भाई, तुम्हारा भाई दुखी है मेरे को पता है, बट ऐसे दुखी होके शो नहीं होता भाई, शो नहीं किया जाता पता नहीं क्यों, बट हाँ हूँ मैं भाई रियली दुखी हूँ क्योंकि मेरा चैलेंज लिया तो पूरा नहीं हो रहा, तो भाई इंटरनली बहुत दुख है, बस शो नहीं कर रहा, नहीं आ रहे बस, समझ जाओ तब आएंगे तब बताऊंगा फुल रीजन क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मजे से एंजॉय करो, बाय 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 बाय। और हाँ 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 प्रचार करवा दियो भाई।